मोलस्का, मोलस्का के सबसे पहले किसने देखा था? अरस्तु ने। किसने देखा था? अरस्तु ने। मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी। मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी। मोलस्का में जितने भी एनिमल आते हैं उनके शरीर कैसा होता है? कोमल। उनका शरीर कैसा होता है? कोमल। कोमल होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में। तीन भागों में बटा होता है। सिर, पाद एवं अंतरांगों में बटा होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला। खुला का मतलब क्या हो गया? जिनमें नलिका नहीं होती है उस परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगला क्या है? इनके मुख में क्या प्रेजेंट होता है? रेडुला। क्या होता है? रेडुला। रेडुला का काम क्या होता है? ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसके उत्सर्जी अंग इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? भोजेनस के अंग। पूछा जाएगा भोजेनस के अंग किस में पाए जाते हैं? तो आपके मोलस्का संघ में। मोलस्का संघ में भोजेनस के अंग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, ये कैसे होते हैं बेटा? एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का क्या अर्थ हुआ? जिनके बॉडी में केवल एक लिंग होता है, यानी कि मेल या तो फीमेल, ये एक लिंगी होते हैं। ऐसा में